अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई विल प्रेजेंट माय सिक्स लेक्चर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द फ्रेगमेंट्स ऑफ सम मॉलिक्यूल YZ आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एडजेसेंट एटम ऑफ द रिएक्टेंट। द एलिमिनेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में फ्रेगमेंट्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के, यहाँ जनरल टर्मिनोलॉजी में आपको Y और Z से शो किए गए हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये एलिमिनेट होते हैं एडजेसेंट कार्बन से रिएक्टेंट के। द एलिमिनेशन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी आफ्टर एलिमिनेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम किस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, इसमें ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इन दोनों पोजिशन से, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल में सिमिट्री मौजूद है, तो इन दोनों बीटा कार्बन से सोडियम मिथॉक्साइड जो कि एक बेस है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने नेगेटिव पार्ट से इस यहाँ के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ जो प्रोटॉन आफ्टर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद ये 79% जो है वो हमें प्रोडक्ट हासिल होगी, अल्कीन फॉर्म होगी और इथेनॉल मिलेगा और सोडियम ब्रोमाइड, ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, जबकि हमारे पास ये अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें आप ये देखिए कि अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट कार्बन जो के प्रोटॉन रखते हैं यानी हाइड्रोजन रखते हैं, वो सब बीटा कार्बन है। यहाँ पे सोडियम इथ ऑक्साइड ये बेस मौजूद है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इसमें ये तीनों बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के बाद यहाँ से बिलफर्स ये प्रोटॉन है, यहाँ CH2 अगर कर लें हम, तो ये फिर यहाँ से बॉन्ड मूव करेगा और यहाँ से ब्रोमाइड जो है वो एज अ गुड लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमें अल्कीन फॉर्म हो जाएगी और साइड प्रोडक्ट्स हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड और इथेनॉल मिल जाएगा। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अ हेलो एल्केन रिएक्शन इज कॉल्ड डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। यानी हेलोजन भी रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन, ये दोनों जो हैं वो सेम है, इसमें इसके टाइटल्स जो हैं वो दो हैं, यानी बीटा एलिमिनेशन भी कहा जा सकता है और इसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 1 है लिविंग ग्रुप के साथ और इसका नेबरिंग कार्बन जो है अगर हम उन्हें नंबर दें तो वो 2 कार्बन होते हैं। द कार्बन एटम दैट बियर्स द सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन एटम द अल्फा कार्बन एटम एंड द एंड एनी कार्बन एटम एडजेसेंट टू इट अ बीटा कार्बन एटम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई हाइड्रोजन अटैच टू द बीटा कार्बन एटम इज कॉल्ड अ बीटा हाइड्रोजन एटम, जो बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन अटैच हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सिंस द हाइड्रोजन एटम दैट इज एलिमिनेटेड एंड डी हाइड्रोहेलोजिनेशन इज फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम, दीज रिएक्शन आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। अब बेस्ड कौन कौन से यूज होते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में, अल्कोहल
इथेनॉल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब होता यह है कि यहां पे सोडियम जो है RO, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो गया यहां पे इस नेगेटिव पार्ट के साथ, ये सोडियम एलिमेंट पॉजिटिव फॉर्म में अटैच हो गया और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से एलिमिनेट हुई है। इसी तरह से ये इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये जनरल एग्जाम्पल है और ये इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, सोडियम एटम जो है, एलिमेंट जो है, उसके भी 2 एटम्स यानी 1 मॉलिक्यूल मौजूद है। होता यह है कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस सोडियम के साथ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में मौजूद है, सोडियम सॉल्ट फॉर्म में, सोडियम इथॉक्साइड, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसी तरह से ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी पोटाशियम एलिमेंट के साथ मिलके पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि बीटा एलिमिनेशन जो है या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है उसका मैकेनिज्म क्या है।